अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ताहा पोपाटिया एट स्क्राइबर्स एकेडमी। और मैं एक 5 से 7 मिनट की एक छोटी सी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कशन करूँगा। पर्पस ऑफ द डिस्कशन ये है कि मैं जो है वो स्क्राइबर्स एकेडमी पर बिजनेस फाइनेंस सेशन यानी कि CFAP 4 का December 2022 का बैच लॉन्च कर रहा हूँ। तो उस हवाले से मैं आप लोगों के साथ जो है वो कुछ चीज़ें कुछ डिटेल्स शेयर करूंगा कि किस तरह से हमारा कोर्स चलेगा, क्या कोर्स के कंटेंट्स हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो नाम आप लोगों को सबको मेरा मालूम है, ताहा पोपाटिया, ACCA मेंबर, प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 बार नेशन वाइड पोजिशन होल्डर इन ACCA एंड CA एग्ज़ाम्स इंक्लूडिंग वेरियस पेपर्स ऑफ ACCA एंड क्वान्टिटेटिव मेथड CA का जो पेपर होता है हमारा वो। पाकिस्तान टॉप ACCA एफिलिएट भी मैं डिक्लेयर हुआ था आज से कुछ साल पहले, यानी कि जो ACCA के जो प्रोफेशनल सीरीज़ के मार्क्स होते हैं उसमें एग्रीगेट हाईएस्ट मार्क्स लेकर आने वाला बंदा, ठीक है। इसके अलावा मेरा वर्क एक्सपीरियंस EY अर्नेस्ट एंड यंग की मेरी आर्टिकल्स जो हमें CA और ACCA की मैंडेटरी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करनी होती है। टीचिंग एक्सपीरियंस स्पैन्स अराउंड प्रॉबेबली अराउंड 8 to 10 ईयर्स या उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा, जिसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कराची के तकरीबन सारे ही RIET कॉलेजेस जो है उसमें पढ़ाया है। करेंटली भी मेरी एफिलिएशन जो है वो अराउंड 10 इंस्टीट्यूट्स की है विद इन कराची। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी से जो है हर हर क्या कहते हैं लेवल के जो है वो मैं सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ। क्वांटिटेटिव मेथड्स जो हमारा CA का Level 1 का पेपर होता है उसमें मेरे स्टूडेंट्स की 6-7 बार पोजीशंस आई हैं। उसके अलावा मैंने कॉस्टिंग बहुत पढ़ाया है, बिजनेस फाइनेंस डिसीशन, इसके अलावा FAR 1, इंट्रो टू अकाउंटिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये कुछ मेरा एक जो है आप लोगों के साथ मैंने जो है वो 1 मिनट के अंदर अपने कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी। और अब हम बढ़ते हैं कि हम जो जिस कोर्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, दैट इज़ बिजनेस फाइनेंस डिसीशंस और BFD, जो कि आप लोगों का CFAP 4 का कोर्स है। तो जनाब CFAP 4 का जो कोर्स है ये मैं स्क्राइबर्स एकेडमी पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और इसमें आपके पास जो है ना वो मैं एट द टाइम 2 अटैम्प्ट को कैटर करूँगा जो कि December 2022 और June 2023 की अटैम्प्ट हैं, ठीक है। अच्छा, पढ़ाने का तरीका पहले डिस्कस कर लें, फिर कुछ कोर्स कंटेंट के बारे में डिस्कस कर लें। तो कुछ ब्रीफ सी मुझे 2-4-5 मिनट की डिस्कशन आपसे अब करनी है, उसमें मैं चीज़ों को जो है वो मुख्तसर रखूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। देखिए, पढ़ाने का सिंपल तरीका ये होगा कि आप लोगों को हमारे पोर्टल के ज़रिए जो है ना वो रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड जो है वो सेशंस या लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, विच विल कवर ऑल कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आप लोगों के BFD के सिलेबस के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे होंगे, प्लस पास्ट पेपर्स। और इसका मतलब ये कि आप अपनी कन्वीनियंस से, सुकून से, आराम से इस कोर्स को जो है वो कवर कर सकोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग जो है वो लाइव सेशंस या लाइव क्लासेस कंडक्ट किया करेंगे, जिसमें आप लोगों की जो है वो क्वेरी सॉल्विंग होगी, और कुछ रीसेंट पास्ट पेपर्स जो है वो हम लाइव सेशन में एज़ पर डिमांड, जो क्वेश्चन आप लोग पास्ट पेपर का बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दें XYZ, वो क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा सपोर्ट में आप लोगों को जो है वो ई नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ई नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम्स वाले दिन तक 4 मॉक्स कंडक्ट होंगे, आप लोगों का जो है वो एक प्रॉपर इनरोल्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिस पर मैं हर वक्त आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए मौजूद होऊंगा, और मेरे साथ जो है वो कुछ टीचर असिस्टेंट भी मौजूद होंगे, ताकि अगर इन केस कि मेरा रिप्लाई लेट आ रहा है तो आप उनसे कंसल्ट कर अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवा लो। बहरहाल, दैट विल बी अंडर माई सुपरविजन। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कि सर हमें क्या डेमो मिल सकता है, क्या हमें कुछ लेक्चर्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि क्या हमें यहाँ पर क्लासेस कंटिन्यू करनी है या नहीं। तो फॉर श्योर आप लोगों को अगर डेमो लेक्चर्स का जो है वो एक्सेस चाहिए, तो आप जो है वो स्क्राइबर्स एकेडमी के जो पेज है उस पर जाकर एडमिन से कनेक्ट हो सकते हैं, एडमिन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एडमिन से कॉन्टेक्ट कर आप
डेमो का एक्सेस ले सकते हैं। डेमो लेक्चर्स आपको हमारे पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने फर्दर कंटिन्यू करना है या नहीं। या ऑब्वियसली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0345-308-6312, और मुझसे आप बात कर सकते हैं। अगर इस सेशन में भी अभी भी कोई बात जो है वो क्लियर ना हो, तो आप बिल्कुल मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद अगर हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करें, तो देखें जब आपको पोर्टल का एक्सेस मिलेगा ना, तो मैंने किया क्या है कि पोर्टल पर जो है वो वीक वाइज जो है ना चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। फॉर एग्जांपल आप जब पोर्टल देखेंगे तो वीक 1, वीक 2, वीक 3, इस तरह से आपको वीकली वीकली हर वीक का एक टैब मिलेगा, और उस टैब के अंदर उस स्पेसिफिक वीक के लेक्चर्स मौजूद होंगे जो कि आपका टारगेट होगा, जो आपने जो है वो पूरा करना है हर वीक के एंड तक। आप लोगों को एक प्रॉपर प्लानर दिया जाएगा, जो प्लानर आप लोग फॉलो करोगे, और उस प्लानर में जो है आपको मेंशन होगा कि जी ये टॉपिक फर्स्ट वीक का है, इसमें इतनी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है, लाइव सेशन इस दिन होगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो इस तरह से वीक वाइज आप लोगों को जो है वो वहाँ पर सारा कंटेंट अवेलेबल होगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बिज़नेस फाइनेंस डिसीशन को ब्रीफली डिस्कस कर दूँ, तो जनाब बिज़नेस फाइनेंस डिसीशन जो है ना, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पेपर है, और मैं ये कहूँगा कि ये पेपर वाकई में आपको कुछ सिखाता है, ठीक है ना। सिखाने का मतलब ये है कि इसमें आपकी जो डिसीशन मेकिंग जी की जो कैपेबिलिटी है वो पॉलिश हो रही होगी। जब हम बिज़नेस फाइनेंस डिसीशन के पेपर की बात करते हैं, इसकी डिटेल्ड कंटेंट या कोर्स में स्पेसिफिकली क्या है और उसकी क्या वेटेज है, ये तो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस नहीं करूँगा। ये जो पोर्टल पर आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे और क्लासेस के दौरान और इनरोल्ड स्टूडेंट्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें आपको ये डिटेल्स बताई जाएंगी। बहरहाल आप ये समझ लो कि मेनली आपके जो बिज़नेस फाइनेंस डिसीशंस में चीज़ें आती हैं, मेनली मेजर, नॉट ऑल, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन मेजर जो चीज़ें आती हैं, नंबर वन इन्वेस्टिंग डिसीशंस, नंबर टू फाइनेंसिंग डिसीशंस, नंबर थ्री डिविडेंड डिसीशंस, नंबर फोर फॉरेक्स एंड इंटरेस्ट रेट हेजिंग एंड अदर एरियाज। तो इस तरह से हम जो है वो कह लेते हैं कि चार या पांच हिस्से हम कर सकते हैं अपने सिलेबस के। व्हाट इज इन्वेस्टिंग डिसीशन? इन्वेस्टिंग डिसीजन का मतलब यह है कि एक फाइनेंशियल मैनेजर ने यह डिसाइड करना होता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स के और अपने इन्वेस्टर्स के और डेट होल्डर्स से जो पैसा लिया है उसको बेस्ट वो कहाँ इन्वेस्ट करें, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। हो सकता है कि कुछ लोग, आप लोग अपने पिछले अगर सिलेबस को रिकॉल करो, तो आप लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इस तरह की कुछ टेक्निक्स अपनी PRC AFC लेवल पर या कैफ लेवल पर कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में, या अगर आप न्यू स्टूडेंट हो और बाद में ओरिएंटेशन देख रहे हो, तो MFA के लेवल पर कहीं ना कहीं आपने कवर करी होंगी। तो आपके सामने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होंगे, आपने उसको इवेल्यूएट करना होगा, और इवेल्यूएशन करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, विच इंक्लूड्स नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, MIRR, EIRR, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, एंड सो ऑन सो फॉर। तो पहला काम जो आपको ये सब्जेक्ट सिखाएगा वो ये है कि आपने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, पैसा कहाँ रोकना, ठीक है। दूसरी चीज़ फाइनेंसिंग डिसीशंस, जी अगर मुझे बिज़नेस चलाना है तो बिज़नेस चलाने के लिए क्या मैं इक्विटी लूँ, या क्या मैं डेट लूँ, या मिक्सचर ऑफ बोथ लूँ, या मेरे पास जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो सारा का सारा पैसा है, उसमें डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितनी होनी चाहिए, उसका बैलेंस क्या होना चाहिए, इक्विटी ज़्यादा और डेट कम, या डेट ज़्यादा और इक्विटी कम, या डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या हो सकती हैं कंपनी के पास, ये जो है वो डिस्कस किया जाएगा। डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी जो कमा रही है उसमें से कितना डिस्ट्रीब्यूट करे और कितना अपने पास रखे, इस तरह का डिसीजन देखा जा रहा होगा, क्योंकि अगर कंपनी के पास कुछ फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकती है, तो वो शायद रिटेन ज़्यादा करे और डिस्ट्रीब्यूट कम करे। फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट हेजिंग, वेरी 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 प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ योर सिलेबस, और तकरीबन हर बार टेस्ट होने वाला पार्ट। इसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि अगर आप किसी बाहर के मुल्क में ट्रेडिंग कर रहे हो, यहाँ से आप कोई चीज़ बाहर के मुल्क बेच रहे हो, तो आपने जो करेंसी में पेमेंट करनी है, उसकी करेंसी की जो वैल्यू है, उसके चेंज होने की वजह से जो आपको लॉस हो सकता है, उसको कैसे मिनिमाइज या कंट्रोल करना है। जस्ट लाइक दैट इंटरेस्ट रेट हेजिंग में आपको ये सिखाया जाएगा कि आपने अपनी इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है उसको कैसे हेज करना है, कैसे मिनिमाइज करना है। अदर एरियाज़ में बहुत सारे मुख्तलिफ और एरियाज़ भी आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये
एक छोटी सी वीडियो थी जिसका ये पर्पज़ था कि मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मैं आप लोगों को कुछ हद तक ये बताऊँ कि पोर्टल पर चीज़ें कैसी होंगी और सिलेबस के बारे में बताऊँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर कर और फर्दर डिटेल्स ले सकते हो, डेमो देख सकते हो, सारी चीज़ें हमारे पोर्टल पर अलाइन एंड अवेलेबल हैं। बहुत शुक्रिया।